Hey guys, this is Shubham Chaudhary. Welcome to my first vlog. और अभी बज रहे हैं रात के 10. सामान पूरा रेडी हो चुका है अपना. कल अपनी फ्लाइट है बिलासपुर से दिल्ली की. फिर दिल्ली के बाद अपना बस होगा सीधा देहरादून का. फिर देहरादून से हम जाएंगे सांकरी. फिर वहाँ पहला इस व्लॉग में मैं केदारकंडा ट्रैक कवर करूँगा, ऋषिकेश कवर करूँगा और ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग. प्लान ये है कि जो सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग होगा मैं वो ट्राई करने की कोशिश करूँगा. मिलता है तो ठीक, अदरवाइज तो मरीन ड्राइव तो मिलेगा ही मिलेगा. मरीन ड्राइव तुम्हारा 26 किलोमीटर का होता है. तो चलो फिर कल सुबह हम मिलते हैं एयरपोर्ट पे. यहाँ पे बैगेज वे होता है अकॉर्डिंग टू माय टिकट. अगर बैग 15 केजी से ऊपर हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और अगर नहीं हुआ तो फिर मेरी किस्मत अच्छी है. देख लेते हैं क्या होता है. ये छोटा सा बट अच्छा बिलासपुर एयरपोर्ट. लेट्स सी. वहाँ पे मैंने बैग दे दिया था बट उन्होंने बोला एक्सरे करवाने के लिए. कम सून बेबी. आ गया मेरा बैग. सो हियर इज आवर मिनी प्लेन. मिनी ठीक है, पूरा तो दिख नहीं रहा ये. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ बिलासपुर एयरपोर्ट. छोटा सा सुंदर सा हेजल फ्री एयरपोर्ट. वरना भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो यार इतना कंजट होता है ना, क्या बताओ. इतना भीड़ 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 साला. फिर यहाँ से वहाँ तक बस में जाओ, बस में भीड़. ये ठीक है. तो हमें मिला 13A. आई थिंक वो विंडो सीट ही है तो देखते हैं यार. लेकिन अगर 13A ये फ़ैन के पास हुआ ना तो पूरे सफ़र में ना दिमाग ख़राब हो जाएगा. बहुत आवाज़ आता है इस क्योंकि इसके अंदर फ़ैन का. देखते हैं लकीली क्या होता है. नॉर्मल एयरपोर्ट्स में क्या होता है, हमें हमेशा 2-3 घंटे प्रायोर जाना पड़ता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. यहाँ पे मुझे लगा कि ऐसा होगा 2-3 घंटा वाला तो मैं पहले ही आ गया था. बट 20 मिनट में चेक इन, सिक्योरिटी पूरा क्लियर करने के बाद पूरा मुझे 1.5 घंटा बैठना पड़ा. तो अगर बिलासपुर एयरपोर्ट से आपको फ्लाई करना है तो कम से कम आधे घंटे पहले, आधा घंटा सफिशेंट है, आधे घंटे पहले अपने पहुंच जाइए. यहाँ पे हेजल फ्री चेक इन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया यार. इतना देर हुआ लैंड हुए और तब से बैगेज का वेट कर रहा हूँ लेकिन अब तक बैगेज मिला नहीं मुझे. कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे वेट करते यार. यहाँ पे ठंड है, गला बैठ रहा है मेरा. देखते हैं क्या करते हैं. बाकी आगे का प्लान तो सॉर्टेड है, क्या घंटा सॉर्टेड है. यहाँ का मेट्रो पता नहीं, टर्मिनल 3 में मेट्रो कहाँ से मिलेगा. सो गाइस नाउ आई एम बैक इन माय GoPro. अब देखते हैं यार, दिल्ली में तो बहुत ठंड है. अब क्या प्लान है आज का. तो प्लान ये है कि अभी मैं मेट्रो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो मेट्रो है मेट्रो पकड़ के कश्मीरी गेट जाऊंगा. कश्मीरी गेट पे प्रतीक वेट कर रहा है, हर साला फ़ोन नहीं उठा रहा है. उसका फ़ोन ऑफ, फ़ोन स्विच ऑफ है. अब देखते हैं क्या सीन है. अपनी रात को बस है, आई थिंक 10:30 बजे बस है. 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे पहुँचेंगे देहरादून. कल देहरादून से फिर जाएंगे सांकरी. फिलहाल ये कंफर्म है, बाकी देखते हैं क्या सीन है. बाकी ये है एयरपोर्ट मेट्रो का व्यू. बाकी देखते हैं, ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं चलेगा बट कोशिश करूँगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ. तो यार मेरा ना पोपट हो गया. मैं यहाँ से चढ़ के ऊपर तक गया, सोचा वहाँ पर मिलेगा मेट्रो पर उसने फिर नीचे भेज दिया. आई थिंक वहाँ है मेट्रो, देखते हैं वहाँ भी जाके देख लेते क्या होता है. यार बहुत थक गया हूँ यार, बहुत भूख लगा है. कश्मीरी गेट के पहले चांदनी चौक है, आई थिंक वहाँ पे कुछ खाने का मिल जाए पहले. लेट्स सी. फिर से आ गए हम अपने आईफोन में और अभी हमने लिया था एयरपोर्ट से लेके न्यू दिल्ली तक का मेट्रो और अब लिया हमने न्यू दिल्ली से कश्मीरी गेट तक का. तो इसमें आपको पहले ऑरेंज लाइन और फिर येलो लाइन. अरे यार कहाँ गया मैं. ऐसे करके लाइन बदलना पड़ता है.
अभी जा रहा हूँ मैं अपने सेकंड मेट्रो जिससे जाऊँगा मैं कश्मीरी गेट। देखते हैं फिर कुछ खाने पीने का प्लान है। हेलो गाइस, हेलो, राहत मिला है ना? ठंडी क्या है भाई? इतना भी एरिया नॉर्मल है यार। भाई हाथ पूरा जम चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं मेट्रो से निकला, खाना खा लिया, खाने में आलू पराठा था, पंजाबी ढाबा करके एक है मेट्रो गेट नंबर 4 कश्मीरी गेट। तो अभी हम जा रहे हैं बस की ओर, बस वाले ने बोला कि वो गेट नंबर 4 में खड़ा रहेगा, आई थिंक खड़ा है, वो कॉल किया था, तो जा रहे हैं वहीं पे। यार ठंड तो बहुत है, आई थिंक अभी 9 डिग्री है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो दिल्ली सर्दियों में तो यार एक कैप और ग्लव्स मस्ट है। ग्लव्स है लेकिन ग्लव्स ब्लैक बैग में है मेरे, और अब वहाँ चढ़ के सो जाऊँगा यार बस में, और ज़्यादा शक्ति तो बचा नहीं अभी। अभी बज रहे 2 और इतना फॉग, ये सिर्फ फॉग ही फॉग है इधर भाई साहब। अभी आई थिंक 7 डिग्री हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे बस रुका हुआ है चाय पीने के लिए, जिसको चाय पीना फ्रेश होना है अलग धंधा। यार ठंड तो बहुत है, फॉग को देख के लग ही रहा होगा। द ट्रिप इज ऑन बेबी। तो बस अपने को 6 बजे पहुंचा दिया था करेक्ट देहरादून बस स्टॉप पे, फिर वहां से अपने को आना पड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारा जो पिकअप होगा वो रेलवे स्टेशन से होगा। तो अभी है हम देहरादून रेलवे स्टेशन पे, और इसके बाद हम जिस ट्रैवलिंग कंपनी के साथ जा रहे हैं वो हमें पिक करेगी मोस्ट प्रोबेबली बाय 7 और बाय 8। तो फिर देखते हैं, अभी तो पहले कुछ चाय नाश्ता करना है, बहुत भूख लगा है। ठीक है, और हो सकता है कि ये पहला व्लॉग यहीं पे एंड होगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो सीरीज़ चालू करूँगा वो होगा देहरादून और केदारकंठा ट्रैक सीरीज़। तो ये आज पहले दिन का पहला व्लॉग। सो दिस इज शुभम चौधरी साइनिंग आउट, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।